हेलो जी, नमस्कार। किचन कनेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कद्दू की खीर। इस खीर की ये खासियत है कि ना हम इसमें शक्कर ऐड करने वाले हैं और ना ही गुड़। इसमें हम खजूर ऐड करेंगे जो हमारा हीमोग्लोबिन भी बढ़ाएगा, और हम इसे चाहें तो फास्ट में भी खा सकते हैं और ऐसे तो खा ही सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं कद्दू की खीर। हम गैस पर एक कढ़ाई रख लेंगे और इसमें करीब 2 चम्मच हम घी डालेंगे। और हमने कद्दू को पहले ही घिस लिया है, उसे अच्छे से घिस कर रख लिया है। करीब 1 कटोरी मैंने यहाँ पर घिसा हुआ कद्दू लिया है। तो अब हम इसमें ये कद्दू डाल देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर हमने गैस का फ्लेम मीडियम रखा है, आप इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लीजिए। हमने एक छोटी कटोरी में गुनगुने दूध में कुछ केसर ऐड किया है जो कि अच्छे से घुल गया है। 5 से 10 मिनट में ये भूनकर अच्छे से तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी को स्प्रिंकल करेंगे। हमने एक कटोरी में थोड़ा पानी ले लिया है। अब हम इसे कवर कर देंगे और थोड़ी देर तक भाप में पकने देंगे। करीब 5 से 7 मिनट भाप में पकने देने के बाद अब हम इसमें खजूर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर करीब 10 से 12 खजूर लिए हैं। मैंने इनके सीड्स निकाल लिए हैं, देखिए इस तरह से। और अब हम इन खजूरों को इसमें डाल देंगे। इस तरह से खजूर को दबा दबा कर कद्दू के साथ मिक्स कर लेना है। देखिए मैं किस तरह से उसे पलटे की सहायता से अच्छे से दबा रही हूँ। और ये दोनों एकदम मिक्स हो गए हैं। अब जब ये दोनों मिक्स हो गए हैं, हमने ड्राई फ्रूट्स का एक पाउडर बना रखा है, हम उसको इसमें ऐड करेंगे। बादाम, काजू, पिस्ते, इन सभी को मैंने बराबर मात्रा में लेकर पीस लिया है। ड्राई फ्रूट्स के इस पाउडर को हम करीब 2 से 3 चम्मच इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी मिश्रण में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये मिश्रण अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें अब करीब 1 लीटर आप मिल्क ऐड कर दीजिए और मीडियम फ्लेम पर इसे पकने दीजिए और इसे हिलाते रहिए ताकि सारा मिश्रण दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए। हमने शुरू में दूध में थोड़ा केसर मिला लिया था, उस दूध को, केसर मिले हुए दूध को हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पर गैस का फ्लेम हाई कर रखा है, हम इसमें एक उबाल आने देंगे। इसमें एक उबाल आ गया है तो अब हम गैस का फ्लेम मीडियम से लो कर लेंगे और हम इसे कवर कर लेंगे। करीब 5 से 7 मिनट तक कवर करने के बाद अब हम इसके ऊपर का कवर हटा लेंगे।
हमारी खीर ऑलमोस्ट तैयार है। अब हम इसमें करीब 1 टेबलस्पून इलायची का पाउडर ऐड करेंगे और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने खजूर ऐड किए हैं तो खजूर की वजह से इसमें एक गाढ़ापन बहुत जल्दी आता है। कद्दू और खजूर का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही टेस्टी बनता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो खीर बनती है ना वो वाकई में बहुत स्वादिष्ट बनती है। देखिए हमारी खीर तैयार है। अब हम यहाँ पर गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे और फिर हम इसे सर्व करेंगे। आप चाहे तो इसे गर्म भी खा सकते हैं, ये गर्म भी बहुत अच्छी लगती है। आपको अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो उन्हें एक लाइक दीजिए, मेरी रेसिपीज़ को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।